महाराज, गुरु के चरणों का रज मिल जाए तो समझ लो आपको साक्षात परमेश्वर मिल गया। क्यों? क्योंकि ईश्वर जब भी आता है तो किसके वश में रहता है? हाँ, राम बनकर आता है तो कभी वशिष्ठ, तो कभी विश्वामित्र के वश में होता है, तो कभी अगस्त के कंट्रोल में होता है। हाँ, राम जी जब तक बचपन में थे तब तक विश्वामित्र जी के कंट्रोल में रहे। राम जी जब जवान हुए तो विश्वामित्र वशिष्ठ जी के कंट्रोल में रहे, और जब जवान हुए तो विश्वामित्र जी के कंट्रोल में हो गए, और जब विवाह हुआ हो गया, विवाह करके आए, जब अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय पर जाना था तब महाराज अगस्त जी के कंट्रोल में हो गए। कहा क्यों? लोगों ने कहा प्रभु एक बात बताओ, इस साधुओं से आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा है क्या? हाँ, खेलने जाओगे, पढ़ने जाओगे तो साधु के यहाँ, ब्याह करने जाओगे तो साधु के साथ है, और जंगल जाओगे तो भी साधु के सानिध्य में। भगवान ने कहा याद रखना, इस दुनिया में अगर साधु रूपी गुरु आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। जो लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे में गुरु बना लेंगे, बुढ़ापे में दीक्षा ले लेंगे, मंत्र ले लेंगे, महाराज मूर्खता करते हैं, वो लोग बुद्धिमान नहीं है। राम जी ने कहा जन्म की ठाव से ही तो गुरु के संभाल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए बचपन में ही गुरु की शरणागति ले लेना चाहिए। और जब भगवान कृष्ण बन करके आए तब बोले, जब घर में रहे तो महाराज शांडिल्य जी गुरु जी की देखरेख में रहे, खेलने जाए तो महाराज मन मधुमंगल जो एक ब्राह्मण का बालक है, यज्ञोपवीत संस्कार आदि हुआ है, यज्ञोपवीत पहन करके त्रिकाल संध्या करता है, गौचारण भी करता है, गोपालक भी है, उस मधुमंगल की देखरेख में रहते हैं। जब महाराज मथुरा में आए, कंस को मारने आए, तो मधुमंगल सबसे पहले गए मथुरा, और जब पढ़ने जाना हुआ तो उज्जैन सांदीपनी के यहाँ गए, और महाराज द्वारिका जाना हुआ तो अपना राज पुरोहित गर्गाचार्य जी को नियुक्त कर दिया। मतलब गुरु बिन भवानी धीटरई न होई, बिना गुरु के आप इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। और अगर आपको ईश्वर को देखने वाली दृष्टि खोलनी है तो गोस्वामी जी बड़ा बढ़िया एक उपाय बताते हैं, छोटा सा उपाय है, कर लेना, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। क्या करना है? सीधे बैठ जाना, रीढ़ की हड्डियों को सीधा कर लेना, हाथ एकदम ध्यान मुद्रा में हो जाए, आंखें बंद कर लेना, गुरु जी का ध्यान करना, गुरु जी के चरणों से ध्यान करना मत शुरू करना, गुरु जी के शिखा से शुरू करना, शिखा से मस्तक तक, मस्तक से उनके आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से नासिका, नासिका से मुख, मुख से कंठ, कंठ से वक्षस्थल, वक्षस्थल से धीरे धीरे उधर, उधर से कमर, कमर से घुटने, घुटनों से पांव के पंजे, और पांव के पंजों से अंगूठे का नाखून, और नाखून से उस नाखून में जो एक छोटा सा श्वेत रंग का मोती के कलर का चमकता हुआ एक चिन्ह बना होता है उस तक पहुंचना, और उसको जब साफ साफ देखना आ जाए समझ लेना दृष्टि जागृत हो गई। ये हम नहीं कह रहे, बाबा ने कहा है। श्री गुरु पादा नाथ मंदिर जो थी,